नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 11 Ultra वर्सेस Samsung Galaxy S20 FE 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Mi 11 Ultra में 6.47 इंच जबकि S20 FE 5G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Mi 11 Ultra से कम है। विड्थ की बात करें तो Mi 11 Ultra में 2.94 इंच जबकि S20 FE 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Mi 11 Ultra में 0.33 इंच जबकि S20 FE 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Mi 11 Ultra में 234 ग्राम्स जबकि S20 FE 5G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Mi 11 Ultra में AMOLED जबकि S20 FE 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mi 11 Ultra में 6.81 इंचेस जबकि S20 FE 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Mi 11 Ultra में 1440x3200 और S20 FE 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Mi 11 Ultra में 91.35% जबकि S20 FE 5G में 85.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Mi 11 Ultra में 515 पिक्सल प्रति इंच जबकि S20 FE 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 11 Ultra में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो देखने को मिलता है। और S20 FE 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 11 Ultra में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और S20 FE 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Mi 11 Ultra में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और S20 FE 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 11 Ultra में Adreno 660 जबकि S20 FE 5G में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 11 Ultra में Qualcomm Snapdragon 888 और S20 FE 5G में Qualcomm Snapdragon 865 मिलता है। बात करें RAM की तो Mi 11 Ultra में 12 GB जबकि S20 FE 5G में 8 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Mi 11 Ultra में 256 GB जबकि S20 FE 5G में 128 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Mi 11 Ultra में नहीं है, जबकि S20 FE 5G में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Mi 11 Ultra में 5000 mAh जबकि S20 FE 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Mi 11 Ultra में 2 कलर्स जबकि S20 FE 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
MI 11 Ultra 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 69,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें S20 FE 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 47,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi MI 11 Ultra में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Samsung Galaxy S20 FE 5G की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में MI 11 Ultra आगे है, मेन कैमरा में MI 11 Ultra आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में MI 11 Ultra आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 Pro है, दूसरा Vivo X60 Pro Plus है, तीसरा Xiaomi MI 11 X Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X70 Pro Plus है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।